बहुत अच्छा इंसान है और अब तो मुझे यकीन हो गया कि वो मेरे बारे में भी सोचता है और मुझसे मोहब्बत करने लगा है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, मोहब्बत करता है तुमसे। तुमने महसूस नहीं किया? जब से तुम इस घर में आई हो, वो घर को कम वक्त देने लगा है। रात को देर से घर आता है। मुमानी, मेरा ख्याल है कि समीर तो वैसे ही अक्सर ही घर लेट आता है, इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं है। यार नहीं करनी मैंने शादी, मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। वजह जान सकता हूँ मैं? वजह मोहसिन, मुझे कोई पसंद ही नहीं है, मैं किससे करूँ शादी? हाँ तो ठीक है ना, अगर कोई पसंद ही नहीं है तो तानिया इज परफेक्ट फॉर यू। लगता है फिर निशा चली गई। आहिस्ता बोल, सुन लेगी। आपके चेहरे के तासुरात देख के लग रहा है कि वो फिर चली गई। बैठ बताती हूँ। क्या हो गया अम्मा, सब खैर तो है? खैर ही तो नहीं है, तेरे अब्बा जी ने जायदाद के कागजात निशा को दे दिए हैं। और उसने ले लिए? और क्या, फटाफट पकड़ लिया है। मचाले मुंह से एक लफ्ज फूटियो के मामूजी कागजात की क्या जरूरत है, रहने दे, इस जमीन पे मेरा कोई हक नहीं है। एक लफ्ज नहीं बोली। अब क्या करना है? जो भी करना है जल्दी करना है, वरना अगर उसके ताए के बेटों को इस जायदाद के बारे में पता चल गया ना, बैठे बैठाए करोड़ों की जायदाद के मालिक हो जाएंगे। फटाफट पहुंच जाएंगे सारे गिले शिकवे खत्म करके मनाने। फिर देख लेना, कल की होती शादी आज हो जाएगी। ठीक कह रही हैं आप, अब देखें मैं क्या करता हूं। छुपी करना है जल्दी कर। आप जाके शादी की तैयारियां करो। फजूल बातें मत कर, शादी के लिए वो मानेगी तब ना। अम्मा जी, मैंने कहा ना आप शादी की तैयारियां करें, वो मान जाएगी। बल्कि अब तो उसे मानना ही पड़ा। चले नाश्ते के लिए? ऐसा नहीं आया? नहीं, उसे आज जल्दी जाना था ऑफिस। जल्दी नहीं जाना था, मेरी वजह से जल्दी गया। क्यों, कोई बात हुई तुम दोनों के बीच? आपको क्या लगता है, हमारे बीच कोई बात हो सकती है? हो भी सकती है, ऐसा तो नहीं कि कभी किसी बात पे कोई इख्तिलाफी ना हो। अम्मी, वो शादी के नाम से भागता है। तभी तो कह रही हूं कि तुम जिद छोड़ दो। अम्मी मैं कोई जिद नहीं कर रहा, ये तो मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है और आप लोग भी यही चाहते होंगे कि हम दोनों भाइयों की शादी एक साथ हो। बेटा अगर वो नहीं मान रहा तो तुम ही मान जाओ। मान जाएगा, निशा मनाएगी तो जरूर मान जाएगा। खैर अम्मी, आज मुझे बिलाल चचा के यहाँ ले जाएंगी? क्यों? वो मुझे निशा से मिलना है। फिर वही बात। अम्मी क्या बात है, आप लोग मुझे निशा से मिलने क्यों नहीं देते? नाश्ते के लिए चलो, बाबा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, नहीं करना मुझे नाश्ता। पहले आप मुझसे वादा करें कि आज निशा से मिलवाने के लिए ले जाएंगी, फिर करूंगा नाश्ता।
अम्मी क्या बात है, आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं? अच्छा अच्छा तुम नाश्ता कर लो, मैं बता दूं। आ गया मेरा बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम, जीते रहो। बाबा ऐसा आज फिर मुझसे मिलके नहीं क्या? अच्छा आ जाने दो, कान खींचूंगा उसके। मेरे सामने खींचेगा? अम्मी आपको अपना वादा याद है ना? तुम पहले नाश्ता तो कर लो। डांट क्यों रही हो? कर लेगा। आप दोनों बाप बेटे दोनों नाश्ता करें, मैं जरा एहसन से पूछ लूं, पता नहीं कुछ खा के गया है कि नहीं। अतिया इस तरह उठ के आ जाओगी तो क्या वो क्या खाक नाश्ता करेगा? मेरी तो ख्वाहिश है कि वो आज नाश्ता ही ना करे। क्यों? इसलिए कि वो पूछ रहा है कि हम क्या छुपा रहे हैं उससे। मैं क्या बताऊं उसे, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, वो जिद कर रहा है कि मुझे निशा से मिलना है। बल्कि उसको तो यकीन हो गया कि कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जो उसके हक में नहीं जाती। मैं उससे बात करूंगा। नहीं आप प्लीज उसे कोई उम्मीद मत दिलाइएगा, बस सच सच बता दीजिए आप। कौन सा सच छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे, बोले? बताते हैं तुम्हें, तुम जरा नाश्ता कर लो, दवा खा लो, बता देंगे सब कुछ। नहीं कर रहा हूं नाश्ता। संभालो अपने को। बेटा, क्या कर रहे हो बेटा? प्लीज बेटे, संभालो अपने को, ऐसे करता है कोई? संभालो अपने आप को। आप लोग बताते क्यों नहीं मुझे, निशा क्यों नहीं मिलती मुझे? वो मुझसे नाराज है और इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मुझसे छुपाई, क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? ऐसा नहीं करो बेटा, अपने को संभालो। वो तुमसे नाराज नहीं है, वो तुमसे तो नाराज हो ही नहीं सकती ना। मुझसे नाराज नहीं है ना वो, तो चलते हैं चाचा के घर चलते हैं, मैं खुद बात करूंगा उससे कि वो बात क्यों नहीं करती मुझसे। तुम्हें यही शिकवा है ना कि हम तुम्हें सच नहीं बता रहे, और अभी तुम्हें सच मालूम नहीं है तो तुम्हारा ये हाल हो गया, और अगर सच कोई मालूम हो गया फिर क्या करो? बेटा माँ बाप नहीं देख सकते तड़पता हुआ अपनी औलाद को, मतलब हमारा इम्तिहान। ठीक है समझ गया मैं, निशा मुझसे शादी नहीं करना चाहती ना, जानता हूं मैं, यही बात है ना? तो ठीक है ना करे वो मुझसे शादी, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा मैं। ना करे वो मुझसे शादी, जिस लड़की ने मुझे जिंदगी में जीना सिखाया उसके बगैर मैं जीने का तो सबूत कैसे कर सकता हूं, उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। नहीं करो, नहीं करो बेटे, ऐसे नहीं करो, अपने आप को संभालो बेटे, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटे। निशा तुमसे नाराज नहीं है, वो तो बिलाल से नाराज होकर चली गई है, बिलाल ने उसको बहुत डांटा था इसलिए वो चली गई, तुमसे नाराज नहीं है। वो बिलाल से नाराज होके अपने मामू के घर चली गई है। मामू के घर क्यों चली गई, यहाँ वापस क्यों नहीं आई? वो इसलिए कि वो यहाँ कैसे आ सकती है, यहाँ तो वो रुखसत होकर आएगी ना। हाँ सही कह रहे हैं आप, वो तो रुखसत होके आएगी।
रुख्सत होके आएगी वो। वो बहुत परेशान थी मोहसिन, इसलिए बिलाल ने उसको बहुत डांटा था, इसलिए वो बिलाल से नाराज होकर मामू के घर चली गई। बाबा आप सच कह रहे हैं ना, मुझसे नाराज तो नहीं है ना वो? तुम परेशान क्यों होते हो? मैं बिल्कुल परेशान ना हो, मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा निशा से, ठीक है ना? आ बेटे, अतिया बेटे को नाश्ता करवाओ और इसको दवा दो। निशा, डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, कहो। अबाजी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लगता है हमें डॉक्टर तब्दील कर लेना चाहिए। ठीक कह रहे हो, मुझे भी लगता है कि सेकेंड ओपिनियन ले लेना चाहिए। अपनी मेडिसिन भी टाइम पे लेते हैं, परहेज भी करते हैं, फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है। वही तो, मैं बाहर भी होता हूँ तो मुझे उनकी फिक्र लगी रहती है। बस ये इत्मीनान होता है कि तुम उनके पास हो, तुम्हारी बहुत बात मानते हैं। अच्छा लगा सुन के कि तुम्हें भी उनकी फिक्र होने लगी। बेटा उनका मुझे फिक्र नहीं होगी तो किसे होगी? निशा थैंक यू। किस बात के लिए? हम सबका ख्याल रखने के लिए। तो कब कर रहे हो शादी? जब वो मान जाए। अगर उसके मानने पर रहोगे तो फिर तो रहने ही दो। ऐसे ना हो कि तुम दोनों के बीच में कोई आ जाए और तुम सोचते ही रह जाओ। तुम्हें लगता है मैं निशा तक किसी को पहुंचने दूंगा? फिर किसके इनविटेशन का वेट कर रहे हो? समीर आजो आजो, जाग रहा हूं मैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना पर? हाँ ठीक ठीक। बैठो बैठो। कुछ कहने आए थे? जी अब्बा जी। बोलो बोलो। अब्बा जी अम्मा ने आपसे बात तो की होगी मेरे और निशा के बारे में ना? हाँ की थी, और मैं भी यही चाहता था, इसीलिए तो जलाल के घर गया था निशा का हाथ मांगने के लिए। हाँ लेकिन अब किसी से उसका हाथ मांगने की जरूरत नहीं है।
आप उसके बड़े हैं बाजी, आप उससे कहेंगे तो आपको ना नहीं करेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं निशा से तो नहीं कह सकता ना। क्यों नहीं कह सकते अबू जी? आप उसके बड़े हैं, उसके बाप को उसकी परवाह नहीं है, तो इतना इख्तियार तो आप अपने हाथ में ले सकते हैं। नहीं नहीं, इसका इख्तियार तो सिर्फ निशा को ही है ना। हाँ, लेकिन लेकिन अगर आप उसको अपनी ख्वाहिश बताएंगे तो वो सोचेगी जरूर इस बारे में। ऐसे क्या देख रहा हूं? देख रहा हूं मेरा एक लापरवाह सा बेटा कुछ संजीदा नहीं हो गया? जी मैं बहुत संजीदा हूं उसके लिए। मैं वाकई निशा से बहुत मोहब्बत करता हूं। निशा को खुश रख सकूं? आपको मुझ पर भरोसा नहीं? जिंदगी को बहुत आसान समझते हो तुम, जानते हो जब जिंदगी में कोई शामिल हो जाता है ना तो अपना बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है उसके लिए। निशा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करता हूँ। निशा के लिए वो सब कुछ करूंगा जो एक मोहब्बत करने वाला इंसान अपनी मोहब्बत के लिए कर सकता है। मोहब्बत, हाँ, मोहब्बत बहुत बड़ी बात कर रहे हो। आप आजमा कर देख लो, मैंने बात कर दिखाऊंगा। वालेकुम अस्सलाम निशा, मेरा ख्याल था कि तुम मुझे फोन करोगी, लेकिन एनीवे ऐसे कोई नाराज होकर घर से जाता है? बाबा मैं नाराज नहीं हूँ। अगर नाराज नहीं हो तो फिर वापस आ जाओ। मैं मोहसिन को फेस नहीं कर सकती। मोहसिन तुमसे बात करनी चाहता है। बाबा मेरे पास उसके सवालों के जवाब नहीं है। दरअसल हमने उसे आज ही बताया है कि तुम अपने पापा से नाराज होके अपने मामू के घर चली गई हो। बाबा मेरी बात करवाए। ये लो, मोहसिन से बात करो। निशा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि बिलाल चाचा से तुम्हारा झगड़ा हुआ? मैं स्टूपिड समझ रहा था कि तुम मुझसे नाराज हो। निशा तुम परेशान नहीं हो, बाबा और अम्मी मिलकर समझाएंगे चचा को, वो तुमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते, बल्कि कोई भी तुमसे नाराज नहीं रह सकता। तुम सुन रही हो ना? हाँ मैं सुन रही हूं। तुम कैसे हो मोहसिन? तुम्हारी तबीयत ठीक है? और दवा टाइम पे ले रहे हो ना तुम? और बाबा और बड़ी मी को ज्यादा तंग तो नहीं करते? नहीं बिल्कुल भी तंग नहीं करता। निशा तुम्हें पता है
आज मैं बहुत रोया हूं। आज बहुत अरसे बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरी जिंदगी में नहीं रहोगी तो मैं तो जिंदगी महसूस ही नहीं कर सकता। मोहसिन तुम क्यों रोए हो? तुम तो बहुत जिंदा दिल हो ना, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी खुशी और तुम्हारी जिंदगी कितने लोगों के लिए कितनी अहम है। फिर क्यों करते हो ऐसी बातें? मुझे लगता है सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। लगता है कोई ऐसी बात है जो हम दोनों से जुड़ी है और मुझसे छुपाई जा रही है। ऐसी क्या बात हो सकती है मुझसे? डर गया था मैं, मुझे लगा तुमने शादी से इनकार कर दिया, और ये एहसास ही मेरी सांस रोकने के लिए काफी है निशा, कि मैं वो जिंदगी जीऊं जिसमें तुम शामिल हो। निशा प्लीज मुझे कभी तनहा मत छोड़। निशा मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं, प्लीज निशा जल्दी से मेरी दुल्हन बनकर इस घर में आ जाओ। घर तुम्हारे बगैर नामुकम्मल, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर। आपको कॉल मिला के नहीं देनी चाहिए थी। खुदा करे निशा आज हमारी लाज रख ले। आप निशा से वो उम्मीद मत लगाइए जो पूरी भी ना कर सके वो। अगर उसको इनकार ही करना है तो आज खुद मोहसिन से इनकार कर ले। और फिर मोहसिन की जो हालत होगी उसका अंदाजा आपको अच्छी तरह हो चुका है। मुझे कुछ उम्मीद है कि निशा उसका दिल नहीं तोड़ेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अरे मोहसिन क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। मैं निशा से बात हुई है मेरी। अच्छा क्या कहा उसने? कुछ भी नहीं, आप ठीक कह रही थी, शादी तक वो मुझसे बात नहीं करेगी। मैं बोलता गया और वो सुनती गई। तुमने उससे शादी की बात की है? जी अम्मी, और शर्मा के उसने फोन रख दिया। ये लड़कियां भी ना कितनी अजीब होती हैं, वैसे तो बहुत तेज बनती हैं लेकिन शादी की बात आते ही शर्माने लगती हैं। क्या सोच रही है? नहीं कुछ नहीं। अम्मी मैं चाह रहा था कि आप एक दफा निशा के मामू के घर चली जाती, वो लोग भी सोच रहे होंगे कि निशा को मिलने कोई भी नहीं आया। अम्मी कहाँ खो जाती हैं? कहीं नहीं। अच्छा जल्दी से मुझे खाने के लिए कुछ दे दे, बहुत भूख लगी है मुझे। मैं निशा का सामना नहीं कर सकती, मैंने उससे वादा किया सुख देने के लिए और अब मैं उसके सुख छीनने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगा था कि ऐसा बहुत ही कोई बोर इंसान है, बट इन रियलिटी इतना भी बोर नहीं है। अच्छा तुम खुश हो ना?
हाँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं तो चाहती थी तुम घर वापस आ जाओ ताकि हम लोग बहुत सारी बातें किया करें। हाँ, वो तो तुम अभी भी कर सकती हो फोन पे। घर पे रहकर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर डैड को पता चल गया ना तो वो बहुत नाराज होंगे। आज बहुत अरसे बाद बात हुई, बहुत अच्छा लगा। निशा, I love you a lot. तानिया, तुम छुप के आती हो मुझसे मिलने? हाँ, मत आया करो। क्यों नहीं आया करूं? तुम मेरी बहन हो और मेरा दिल चाहता है मैं अपनी बहन से मिलने आऊं और अहसन की ढेर सारी बातें किया करूं। तुम कॉफी पियोगी? श्योर। मेहमान को इस तरह से देखकर आंखें फेर लेना बदतमीजी समझी जाती है। नहीं, वो मुझे लगा शायद मेरा बात करना तुम्हें बुरा लगेगा। भला मुझे क्यों बुरी लगेगी? अगर तुम अभी भी उस दिन की बात पर नाराज हो तो ठीक है, सॉरी बोल देती हूँ। नहीं, अब सॉरी की जरूरत नहीं है। क्यों, इसकी जरूरत क्यों नहीं है? तुम सॉरी बोले या ना बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निशा अब तुम्हारे घर पे नहीं है ना, मेरे घर पे। तो तुम सॉरी बोले या ना बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसी बात भी नहीं है, निशा की बहन होने के नाते कुछ तो रिश्ता है हम दोनों का। प्लस जो बातें मुझे मॉम ने बताई है उसके बाद तो बहुत ही अहम रिश्ता बनता है। अच्छा, क्या बताया तुम्हारी मॉम ने? यही कि तुम निशा से शादी करना चाहते हो। हाँ, और उस हिसाब से तो तुम मेरी आधी घरवाली हो। घरवाली मतलब? हमारे यहाँ साली को आधी घरवाली कहते हैं। तो कब कर रहे हो शादी? जब वो मान जाए। अगर उसके मानने पर रहोगे तो फिर तो रहने ही दो। ऐसे ना हो कि तुम दोनों के बीच में कोई आ जाए और तुम सोचते ही रह जाओ। तुम्हें लगता है मैं निशा तक किसी को पहुंचने दूंगा? फिर किसके इनविटेशन का वेट कर रहे हो? थैंक यू। अरे वाह तानिया, तुम तो बहुत लकी हो, हमें तो कोई पूछता भी नहीं था। ये लो।
ये तुम ले लो, मैं अपने लिए और बना। तुम लोग कॉफी पियो, मैं चलता हूँ। बाय बाय। मोहब्बत करता है तुमसे? इसने कुछ कहा है तुमसे? मोहब्बत कहने से पता थोड़ी चलती है, वो तो आंखों से ही दिखती है। जैसे एहसन की आंखों में मैं अपने लिए मोहब्बत देखती हूँ। यू नो व्हाट तानिया, मुझे लगता है तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि पापा इस बात का इल्जाम भी मुझे दे दें कि मैं तुम्हें खुदसर और बदतमीज बना रही हूं। ओह गॉड प्लीज, इतना नहीं डरा करो। वैसे एक बात पूछूं अगर माइंड नहीं करोगे? पूछो। तुम्हें ये लगता था ना कि एहसन तुमसे मोहब्बत करते है? लेकिन ये सच नहीं है। क्योंकि अगर ये सच होता तो एहसन तुम्हें मोहसिन के लिए कभी फोर्स नहीं करता। आई थिंक तुम्हें एहसन का ख्याल अपने दिल से बिल्कुल निकाल लेना चाहिए। तानिया प्लीज, आई मीन मुझे गलत मत समझना, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम किसी ऐसे इंसान का हाथ थामो जो तुमसे मोहब्बत करता हो। सारी जिंदगी दूसरों की इजाजत और ख्वाहिशों का ख्याल रखती रहोगी तो खुशियों के लिए तरसती रहोगी। मैं मोहसिन से शादी नहीं कर सकती था। बिल्कुल करनी भी नहीं चाहिए। आई मीन मोहसिन से शादी करना तो बिल्कुल ही अजाब होगा। एक तो मोहसिन जैसा लाइफ पार्टनर, ऊपर से एहसन भी घर में मौजूद, तुमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। आई थिंक समीर तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तानिया प्लीज, वो तुम्हें बहुत चाहता है। ओके, और अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है सो सॉरी। वेरी नाइस कॉफी। तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मेरी बात सुनो। क्या हुआ? As usual, तुम्हारा मूड ऑफ होगा। मेरे से शादी करोगी? एहसन, आर यू सीरियस? मेरी बात पे यकीन नहीं आया ना? मैं जानता था तुम्हें यकीन नहीं आएगा। ये देखो, उसने खुद मुझे लिखा है आई लव यू टू, और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रहा था उसके बारे में। अब तो तुम खुश हो ना? बिल्कुल नहीं। मैं तब तक खुश नहीं होऊंगा जब तक तुम तानिया के लिए हानि कर देते। फिर वही बात, तुम्हें पता है आज सुबह में तुम्हें मिल के नहीं गया था तुम्हारी इसी जिद की वजह से। ओके, अब नहीं कहूंगा। लो अब मुंह लटका के बैठ जाता हूं। नो आई एम ओके। देखो मोहसिन, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मैं तो तुम्हारी शादी एंजॉय करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी की सारी प्रेपरेशंस मैं खुद करूं।
ये नाराजगी तुम शादी के बाद निशा को दिखाना। उससे तो मैं नाराज हो ही नहीं सकता। अब मेरे से हो सकते हो? तुम मेरी बात जो नहीं मानते हो यार। इस बात के अलावा मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं। बोलो निशा, मेरे से इतनी नफरत से बात तो ना करो। अब तुमसे बात करने के लिए मोहब्बत कहां से लाऊं? वो तो तुमने मेरी रूह से ही खींच के निकाल दी। ठीक कह रही हो तुम, तुम्हारा ये कहना बनता है। कॉल क्यों किया तुमने? टू थैंक यू। आज मोहसिन बहुत खुश था। मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी। बाबा ने इंसिस्ट किया तो मुझे करनी पड़ी। अब तो बात कर लो, अब तो सारा मामला सेटल हो गया है ना। क्या सेटल हो गया? ये ही कि अब तुम उससे शादी करने के लिए राजी हो गई हो। तुमने ही तो उसे कहा था ना कि दैट यू लव हिम। बस कर दें आप सब, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ना मैं ऐसा चाहती हूं। लेकिन मोहसिन तो। हेलो, सब के लिए तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन अगर तुम समझ जाते ना मेरी बात, तो निशा मोहसिन को दिल से एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन मैं तुम्हें दिल से कभी एक्सेप्ट ना करता। मैं कंप्लेन भी नहीं करती। मोहब्बत की कसक शिकवों के अलावा कुछ भी नहीं देती तानिया। हाय, तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मेरी बात सुनो। क्या हुआ? आज यूजुअल तुम्हारा मूड ऑफ होगा। मेरे से शादी करोगी? अहसन, आर यू सीरियस? मुझे ऑनेस्टली यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये बोल रहे हो। जिस बात का सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। यस यस ऑब्वियसली यस, हजार बार यस। तुम एक ऐसे बंदे को बर्दाश्त कर लोगी जो तुम्हारे से बिल्कुल मोहब्बत ना करता हो? ऐसे मुझे तुम हर हाल में कबूल हो।